नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। वरसिंहपुर लैम्स के वार्ड नंबर 12 के चुनाव हुए संपन्न। भाजपा समर्थित उम्मीदवार नीरज पंचाल हुए विजयी। सागवाड़ा शहर में पहुंचने पर भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत वरसिंहपुर लैम्स के वार्ड नंबर 12 के अरिणी वर्ग में आज चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भाजपा समर्थित उम्मीदवार नीरज पंचाल ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हरिश्चंद्र जोशी को 84 मतों से पराजित किया। नीरज पंचाल को 191 मत मिले जबकि हरीश जोशी को 107 मत मिले। जीत की खुशी में मांडवी चौक सागवाड़ा में भव्य आतिशबाजी की गई और मिठाइयां भी बांटी गई। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, नेता प्रतिपक्ष हरीश चंद्र सोमपुरा, पूर्व पार्षद रतिलाल पंचाल, नानालाल दर्जी, पार्षद रेखा रोत, पार्षद संजय जैन, कुतुबुद्दीन कोठी, आबिद बाशी, रजनीश व्यास, विजय पंचाल, राधे कृष्ण दर्जी, प्रकाश त्रिवेदी, दिनेश सेवक, दिलीप मोड़ पटेल, विपुल पंचाल, दशरथ खटीक, कांतिलाल खटीक, नरेश प्रजापत, विष्णु बासरिया, किशोर सेवक, संतोष भोई, मांगीलाल डामोर, संजय भासार, चिराग पंचोरी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर नीरज पंचाल को जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और बधाइयां दी। आज वृहद नरसिंहपुर लैम्स के चुनाव थे, जिसमें अरिणी के रूप में अपन ने चुनाव लड़ा, जिसमें अपन ने जीत हासिल की है। मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि नरसिंहपुर लैम्स एक छोटा चुनाव था, मगर इस चुनाव में बड़े बड़े लोगों के दांव लगे हुए थे, जिसमें सभी मेरे साथियों और गांव नरसिंहपुर की तरफ से मुझे बहुत सहयोग मिला और मैं आज 84 वोटों से लीड लेकर जीता हूँ। उसके लिए मैं सभी गाँववासी, मेरे साथी संबंधी, मेरे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने सहयोग दिया उनका मैं धन्यवाद। और आने वाले समय में जिस तरह से लैम्स में मैं जाऊंगा, धीरे धीरे मैं इससे अवगत हूंगा, जैसे लोगों को लाभान्वित करूंगा, सहयोग दिलाऊंगा उनको, नए लोग जोड़ूंगा और अन्य जैसी भी कमियां होंगी मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप सभी के सहयोग से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज़। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।